दोस्तों, इस प्रकार का मैसेज आपको भी देखने को मिला होगा, जो कि सभी को 1 तारीख के लगभग यहाँ पर मैसेज आया है। आपके आधार में बैंक मैपिंग नहीं है, जबकि आपके आधार कार्ड में बैंक लिंक है, फिर भी आपके पास ये मैसेज क्यों आया, इसके डिटेल आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपेश गौर में, जहाँ पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं, ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्ती को। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आप सभी को हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त होती हो सके। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत आपके बैंक की डीबीटी सक्रिय है, फिर भी आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज देखने को मिलेगा कि डियर, आपके आधार में बैंक मैपिंग एवं बैंक खाते में डीबीटी की स्थिति सक्रिय नहीं है, जिस कारण आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा, अतः योजना का शीघ्र लाभ लेने के लिए अतिशीघ्र कार्रवाई करें। तो दोस्तों, ये मैसेज आपके पास क्यों आया, आज हम इसकी डिटेल से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बहनों को ये पता चल सके कि ये मैसेज हमारे पास क्यों आया है। देख लीजिए, ये मैसेज जिनकी पहले से डीबीटी सक्रिय है, ठीक है, उन्होंने ऑनलाइन चेक भी कर ली परंतु बहुत दिनों से बैंक में अपडेट नहीं करवाई पर ऑनलाइन शो हो रही है, तो उनके पास भी ये मैसेज आ गया है। ठीक है, आपके पास नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, आपके पास 1 रुपये आ गया है तो आपको 10 तारीख को भी 1,000 रुपये मिल जाएंगे। और जिसके पास ये मैसेज आ गया है, उसके बाद उसने तुरंत नया खाता भी खुलवा लिया है, ठीक है, तो उसका जैसे ही वो डाटा उठाएंगे, आधार कार्ड से जैसे ही डाटा उठाएंगे, उनका आधार कार्ड लिंक स्टेटस सक्रिय बताएगा। परंतु ये मैसेज आपके पास जब आया है, तब आपका आधार बैंक से लिंक नहीं था, लिंक था पर वो एक्टिव नहीं था। ठीक है, आप एक बार अगर ये मैसेज आपके पास आया है, या तो आप एक बार बैंक की हिस्ट्री चेक कर ले कि 1 रुपया आया है या नहीं, नहीं तो एक बार डबल से जाकर बैंक में आधार कार्ड की फोटो कॉपी दे दे और बोल दे डबल से सक्रिय कर दीजिए हमारी डीबीटी, आधार लिंक कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही वो आप कल तक और 1 रुपये डालेंगे, उसके बाद 1 रुपये की डालना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही वो 1,000 रुपये डालेंगे, फिर से एक बार वो डाटा उठाएंगे सभी का, अगर आपकी डीबीटी सक्रिय हो जाएगी तो आपका तुरंत यहाँ पर डीबीटी उठा लेगा। ठीक है, अगर आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाते हैं तो जैसे ही आज आप खाता खुलवाते हैं, कल आपकी डीबीटी सक्रिय हो जाएगी और कल आपका 1 रुपये भी आ जाएगा। तो दोस्तों, डरने वाली बात नहीं है, अगर ये मैसेज आया है तो आप एक बार अपना डीबीटी स्टेटस चेक कर ले, या फिर बैंक में जाके एक बार डीबीटी के डॉक्यूमेंट दे दे, आधार कार्ड दे दे, बैंक पासबुक दे दे, और जैसे ही वो डाटा उठाएंगे आपके बैंक खाते में 1,000 रुपये की किस्त जाएगी शाम 5 बजे। ठीक है, 10 जून को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली बहनों के खाते में 1,000 रुपये डाल दिए जाएंगे। ठीक है, 5 बजे कार्यक्रम होगा तो 5 बजे के लगभग 6-7 बजे तक आपके बैंक खाते में आ जाएंगे। ठीक है, डीबीटी के माध्यम से डालेंगे, कोई बैंक की प्रोसेसिंग लेट होती है, किसी बैंक में जल्दी आ जाते हैं, तो डरने वाली बात नहीं, सभी के बैंक खाते में आएंगे, बस अपना आधार लिंक स्टेटस चेक कर लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि आधार डीबीटी कैसे चेक करें। ठीक है, कौन सी बैंक में आपके पास जैसे 4-5 खाते हैं तो किस बैंक में डीबीटी सक्रिय है, किस बैंक में नहीं, आपको पता नहीं चल रहा है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं किस बैंक में डीबीटी सक्रिय है, किस बैंक में डीबीटी सक्रिय नहीं है। तो चलिए, मिलेंगे ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी गई है। दोस्तों, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी माता है बहन इस मैसेज को लेकर परेशान है, उनकी सारी चिंताएं हट जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेना। धन्यवाद।